खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सार। सरयू नदी का जलस्तर जितनी तेजी से घट रहा है, नदी उतनी ही तेजी से कटान कर रही है, जिससे दुबौरिया ब्लॉक के माझा कला, दिलासपुर, टकटकवा सहित कई अन्य गांव जलमग्न हैं, जबकि विक्रमजोत ब्लॉक के भरतापुर, कल्याणपुर, सहजौरा, संदलपुर, शानपुर व पड़ाव गांव के अस्तित्व पर संकट आ गया है। हालांकि विक्रमजोत में बाढ़ खंड बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार सरयू नदी लाल निशान 92.73 मीटर से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं मैरुंड गांव सुईका बाबू, टेढ़वा, विसुनदासपुर का पुरवा, अशोकपुर के पुरवों से बाढ़ का पानी तेजी से कम हो रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावितों ने राहत की सांस ली है। क्या स्थिति है यहाँ बाढ़ की? बाढ़ बहुत गंभीर है साहब। कितने गांव डूब गए हैं? कितने लोग के घरों में पानी चला गया है? लगभग 400 घर डूब गए हैं। सभी के घरों में पानी चला गया है? सबके घर में पानी चला गया है। कहाँ पर वो लोग रह रहे हैं? अब सब यार तो जा रहे हैं, क्या करें, जा रहे हैं। सरकारी मदद मिली? सरकारी मदद कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं। कैसे आप लोग घरों से निकल के अपना सामान लेने के लिए जाते हैं? नाव है, नाव लगाई गई है कि नहीं सरकारी? नहीं, सरकारी नहीं, नहीं लगाई। पर्सनल नाव है ये? पर्सनल नाव है। यहाँ पे रहने में बहुत दिक्कत है, पुल भी नहीं है यहाँ पे, पुल की वजह से ना खेती सही से हो पाती है, ना बच्चे पढ़ने जा पाते हैं। बहुत दिक्कत है। सरकारी मदद की बात कीजिए, सरकारी मदद है? सरकारी मदद सर नहीं है कोई। नाव वगैरह नहीं लगाई? नहीं सर, यहाँ पे लगाते हैं, वही लगाते हैं, एक दो नाव है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है, ग्राम सभा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें एक दो नाव कुछ पता नहीं लगता। बहुत दिक्कत हमें होती है, हर एक चीज का दिक्कत होता हो रहा है। राहत सामग्री मिली है सर? मिला है, एक बार मिला है, राशन मिला है। ठीक था सर। क्या क्या मिला? ठीक था, लेकिन वो सर आपकी बार ये पता नहीं कैसा प्रशासन है कि मिला नहीं था, हम सबको अभी तक मिलता नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे जो इधर है बंदे की तरह हम सबको मिला था, यहाँ पे नहीं मिला था। आपकी मिला? आपकी मिला हुआ सर। ठीक, क्या क्या मिला था सर? इसमें 14 सामान था। क्या नाम है? ग्राम अलहा। अच्छा, ये बाढ़ कब से यहाँ पे पानी आ गया है? या ढाई महीने से पानी है यहाँ पर। कितना पानी भरा है? लगभग 2 महीने के यही समय थोड़ा सा पानी बहुत ज्यादा है, 3-6 मीटर गहरा पानी। का दिक्कत आ रही है यहाँ पे रहने में? आपको लिखा दिक्कत आ रही है? अच्छा, पुल की वजह से दिक्कत आती है? अच्छा, ज्यादा दिक्कत आती है, लड़के भी पढ़ने नहीं जा पाते हैं, लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जब तक पानी भरा रहता है। क्या नाम है आपका? कलवा गांव के निकट बने स्पर का अगला हिस्सा पानी के कारण धस गया है। इस इलाके के दर्जनों गांव में कटान तेज हो रही है। माझा कला गांव सरयू के पानी से घिरा हुआ है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से उनके गांव में कोई मदद नहीं पहुंची है। जल स्तर कम होने से पीड़ितों को राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन कटान में तेजी होने के कारण बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। यदि कटान रोकने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया तो कटान से कई गांव कट जाएंगे। बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल स्तर कम होने से कटान तेज हो रही है, स्थितियों की लगातार निगरानी की जा रही है। किसी तटबंध को कोई खतरा नहीं है, ग्रामीण परेशान न हो, किसी भी हाल में गांव को कटने नहीं दिया जाएगा, कटान रोधी कार्य तेजी से कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।